मुश्ताक लेवेंडर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। मुश्ताक से गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। सामने है बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर चलेंगे पहली ओवर लेकर। देखना है कप्तान किसे बुलाते हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद लेवेंडर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। मुश्ताक शेख सेकंड सेमीफाइनल मैच एमएमटी सुल्तान बैटिंग कर रही है। पहले मैच की शुरुआत हो रही है कुछ क्षणों में। मैच की शुरुआत हो रही है। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। गेंद पहली गेंद पर रहा लेकिन बैट्समैन ने सिंगल रन ले लिया। सिंगल रन के साथ रन बनाने की शुरुआत हो रही है। टोटल स्कोर केवल सिंगल पे। ये सेकेंड सेमीफाइनल मैच चलता हुआ ईसा इलेवन के साथ फाइनल कौन खेलेगा ये तय करने वाला मैच। तो इस प्रकार की तुलजापुर इनका यहाँ पर शुभागमन हो रहा है तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। हार्दिक स्वागत है। इस बार जोर से मारने की कोशिश में गेंद डाल के बिल्कुल इफ्तकार जी आए उनके स्वागत में। बल्लेबाज ने चौका लगा दिया बहुत शानदार चौका और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। टोटल स्कोर केवल 5 पे जाकर पहुंचा है। मुश्ताक फिर से गेंदबाजी करेंगे। शटअपिंग गेंद इस बार धीमी रफ्तार से गेंदा इस बार ऑनसाइड में मारा बॉलर के पीछे जा रही है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है बिल्कुल फिर भी सिंगल बलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 6 पे 6 रन। मुश्ताक फिर से गेंदबाजी करने के लिए आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे। गेंद एज लगा हुआ पर विकेट कीपर के पीछे गेंद आ गई। खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे लेकिन फिर भी सिंगल मिलेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल स्कोर 7 रन पर जाकर पहुंचा है। और एक सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल स्कोर केवल 8 पे जाकर पहुंचा है। कुल स्कोर केवल 8 रन।
सैयद यानी कि बिल्कुल हुसैन पहलवान के लड़के भी यहां पर आए हैं जिनकी टीम फाइनल का टिकट ले चुकी है। टीम के स्पॉन्सर अक्की यानी कि अख्तर भाई ने बिल्कुल बहुत शानदार कैच पकड़ा वहां पर, और ये बड़ा विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज जाएंगे बैटिंग करने के लिए। न्यू बॉल हो गया वहां पर जैद उस्ताद। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर नए ओवर की शुरुआत करने के लिए विजय वीर को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। एमएमटी सुल्तान क्रिकेट टीम और मुकाबला चल रहा है जियान कार्स के बीच में चलने वाला मैच। लगातार तीनों के तीनों मैच जियान कार्स ने जीते हैं। बिल्कुल ये अब तक अपराजित रहने वाली टीम जियान कार्स टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। अब अभी भी बड़ा विकेट भी लिया गया वहां पर टीम के ओनर अख्तर भाई, अभी भी उन्होंने कैच को पकड़ा। ये देखिए पैरों के पास साइज बार फ्लिक स्ट्रोक खेला, गेंद डाल के बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रे का पार चार चार। वैसे देखा जाए तो ये जो खिलाड़ी है बिल्कुल अच्छे गांव के सच विनर वॉरियर्स के खिलाड़ी यानी कि सचिन मंगरोल सर के बिल्कुल और टीम से जो हमेशा खेलते हैं वो खिलाड़ी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं रोहित राठौर। उल्टा गेंदबाज बार गेंद को आंसर में फिर से मारा जाता है। गेंद डाल के बिल्कुल बिल विकेट बाउंड्री की दिशा में गेंद डाल के बिल्कुल और एक चौका यहां पर निकलेगा। खराब गेंद उसका पूरा बेनिफिट लिया जा रहा है और एक चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 16 पे जाकर पहुंचा। विजय वीर की गेंदबाजी के राउडी राठौड़ का धमाका चल रहा है। 5 गेंदों में 3 चौके लगाए रोहित राठौड़ ने और 14 की व्यक्तिगत पारी चल रही है। जियान कार्स टीम यानी कि लगातार इस टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाली टीम, तीनों के तीन मैच जीते उसी टीम के ओनर अख्तर भाई जिन्होंने अमन का कैच अभी भी पकड़ा था। अच्छी गेंद स्टंप पर आती गेंद को इस बार आगे निकल कर गेंद को डिफेंस स्ट्रोक खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट की अगर बात करना चाहेंगे टूर्नामेंट के बिल्कुल नियोजन आयोजन जो देखा जा रहा है टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान सम्मानीय तथा आदरणीय दीपक ग्रुप के सर्वे सर्वे साबिर भैया इनामदार और पहले क्रमांक का जो प्राइस दिया जा रहा है 33,333 रुपए जरिया फाउंडेशन के नजीब भाई शेख साहब की ओर से। सेकेंड प्राइस एसआर फाउंडेशन साहिल रामपुरे इनकी ओर से टूर्नामेंट के लिए 22,222 रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं। लगभग 4 रन का इशारा अंपायर की ओर से बताया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए खासकर से बड़ा अनमोल जो साथ मिलता है इफ्तिकार जी तुलजापुरे, इनका भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा अनमोल योगदान हम कहेंगे वहां पर। और बिल्कुल उनकी टीम इस वक्त मैच खेल रही है, खुद इफ्तिकार जी यहां पर मौजूद है, उनका मैं वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं। अच्छी गेंद इस बार गेंद को ब्राउन क्षेत्र में मारा जा रहा जब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और अभी भी रुकावट स्कोर यहां पर 20 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद है, लगभग दूसरा ओवर चलता हुआ दूसरे ओवर की आखिरी गेंद टोटल स्कोर 20 रन। इस बार ऑप्शन के बाहर आती गेंद आंसर में गेंद को मारा जाता है। बहुत जबरदस्त अंदाज की बैटिंग यहां पर चल रही है और यहां पर रोहित राठौड़ कह रहे क्या क्यों ना हो अमन आज जल्दी आए तो अमन की पारी मैं खेलूंगा। पिछले मैच में अमन ने जो दमदार पारी खेली उस तरह की पारी चल रही है। लगभग 2 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर है 24 रन। ईसा 11 के संस्थापक यानी कि बिल्कुल ईसा सैयद साहब का भी यहां पर आगमन हो चुका है तो उनका भी मैं वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं।
देर के समाप्त की स्कोर 24 रन यानी कि हर ओवर में रफ्तार 12 रन की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। जियान कार्स की ओर से देखना मुश्ताक शेख लेवेंडर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत। चौबीस रन 24 रन लॉस अप ओनली वन विकेट। देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे कप्तान किसे बुलाते हैं बॉलिंग करने के लिए। फिर से बॉलिंग तो बुलाया जा रहा है वहां पर फिर से मुश्ताक को। मुश्ताक अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा टीम की ओर से तीसरा लेकर बॉलिंग करेंगे। तो इसके बाद का मैच यानी कि तीसरे क्रमांक का प्राइस की ट्रॉफी किसे मिलेगी ये जानने के लिए हमें बिल्कुल बॉल आउट पर निर्णय दिया जाएगा। बॉल आउट पे इस बार तैयार है गेंदबाजी खेलने के लिए। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल कवर डायरेक्ट निकलता हुआ गेंद डीप कवर क्षेत्र में जा रही है। जब तक ये फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल मिलेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बट 24 रन 25 रन नाउ स्कोर गोस टू 25-25। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद हवा में जा गया नीचे आ गए खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तफा खराटकर जो फील्डर है जिन्होंने कैच को पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज रोहित राठौड़ का विकेट चला जा रहा है। रोहित राठौड़ का विकेट चला जाता हुआ लेकिन छोटी पारी छोटा फटाका बड़ा धमाका कर पवेलियन वापिस चले जा रहे वहां पर बैट्समैन रोहित राठौड़। जैसे कि टूर्नामेंट खेलने के लिए लगभग 12 टीमें हमें मिली है बिल्कुल टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान मार्गदर्शक सम्माननीय आदरणीय साबिर भैया इनामदार। टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन जो किया जाता है सादिक शेख माचो सर टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल अनमोल सहकार्य यहाँ पर जो दिया जा रहा है। इफ्तिकार जी तुलजापुरे इनकी ओर से बिल्कुल खंबीर साथ मिल रही है और साथ ही साथ टूर्नामेंट खेलने के लिए जो 12 टीमें हिस्सा ले रही है दीपक सिंह साबिर भैया इनामदार टीम के ओनर ईसा 11 हुसैन सैयद टीम के ओनर उस्मानाबाद जिमखाना आरिफ शेख ओनर हवा सीसी के ओनर मुजफ्फर सोलापुरकर आईएमएस संडे टीम रसूल तांबोली साहब उस टीम के ओनर है और साथ ही साथ डॉन 11 सिराज इनामदार डॉन रामवाड़ी रॉयल्स क्रिकेट नांदनी जिसके ओनर अरबाज और इसी के साथ बैट्समैन का और एक विकेट चला जा रहा है अरबाज शेख और रफीक शेख ये दो स्पॉन्सर जहीन टीम के ओनर इमरान यादगीर डॉन भाग्य इंडियंस के देवा छिंचोईकर और उदगिरी इंश्योरेंस के चंद्रशेखर उदगिरी और एमएमटी सुल्तान यानी कि इफ्तिकार जी तुलजापुर जिनकी टीम इस वक्त मैच खेल रही है सेमीफाइनल का और जियान कार्स अख्तर शेख जिनकी टीम इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का मैच खेल रही है।
पहली बार देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच मुश्ताक गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद बार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को खेला जाता है। इस बार कैप ऑन साइड में गेंद को खेल रहे बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में गेंद डाल गया जब तक फील्डर फील्ड करते हैं। एक रन के साथ तीन ओवर बिल्कुल पूरे होने के बाद स्कोर है 26 रन 26 रन। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद शॉर्टी गेंद इस बार देख भाग के मारना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर जा रही है। वकील आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। वकील की पहली गेंद थी ऑनसाइड में गेंद को खेलना चाहते थे विकेट कीपर वहां पर नीचे गिर गए। सीना मुश्ताक शेख विकेट कीपर है। चलिए यहां पर मैच हम शुरू करेंगे क्योंकि इसके बाद और एक फाइनल का मैच हमें खिलाना है। पारी करेंगे बीच छपने ओवर की अगली गेंद लेकर वकील सीधे गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश भी गेंद हवा में है नीचे है खिलाड़ी बिल्कुल पकड़ा जाता है कैच। ये कैच शानदार पकड़ा गया बाप
नए बैटिंग बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। इस्माइल पीरजादे नए बल्लेबाज जाएंगे बैटिंग करने के लिए। न्यू मैन बैटिंग करेंगे इस्माइल पीरजादे। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की। अगले गेंद लेकर वकील तैयार है बॉलिंग करने के लिए, जिनके सामने है जैद उस्ताद खुद कप्तान स्ट्राइक पर। टोटल स्कोर 28 रन 28। गौरव के पास गेंद, इस बार आंसर में गेंद को खेला जाता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। जब तक गेंद फील्ड हो रही है बिल्कुल फिर से सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर 29 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। टूर्नामेंट के बिल्कुल प्रेरणा स्थान, टूर्नामेंट के मार्गदर्शक बिल्कुल साबिर भैया इनामदार। इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल जो खंबीर जो साथ मिल रही है इफ्तिकार जी तुलजापुर इनकी ओर से। टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन जो देखा जा रहा है सादिक शेख माचो सर की ओर से, उन्हें कंधे से कंधा लगाकर जो साथ दिया जा रहा है, वसूली अधिकारी का जो पद मिला है उन्हें बिल्कुल राधे यानी कि मोहसिन मुल्ला। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में हल्के से बिल्कुल कवर क्षेत्र में गेंद को खेला जा रहा है। जब तक गेंद को फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अपना से इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्ले का इनसाइड एज लगा वहां पर, देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। 30 रन, ये चौथा और चल रहा है एमएमटी सुल्तान क्रिकेट टीम। और इसी के साथ ये बड़ी विकेट मिल रही है बिल्कुल बहुत शानदार शानदार फील्डिंग। गॉड बिहाइंड के तौर पर विकेट चला जा रहा वहां पर, अच्छा कैच विट्टो के पीछे वहां पर मोहसिन शेख सिन्हा ने पकड़ा वहां पर ये कैच, बड़ी विकेट मिल रही है वहां पर। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए चले जा रहे, न्यू मैन हो गया वहां पर बैटिंग करने के लिए टीम की ओर से। वहां पर अभिषेक चौहान असल तो बैट रखो मित्रा, ओके।
इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारने की कोशिश में, रन आउट का मौका यहां पर छूटा, डायरेक्ट ही निशाना अगर लगता तो निश्चित ही यकीनन बैट्समैन आउट होते वहां पर। इस बार फिर से जोर से मारने की कोशिश में गेंद डाल के लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए, नतीजा बैट्समैन को दो रन लेने का अवसर बनता हुआ और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 की ओर पर 33 रन। रफ्तार से गेंदबाज बार गेंद को आंसर पे खेला जा रहा, गेंद बॉलर के पीछे जा रही है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है, बिल्कुल सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 35 रन। दो बार गेंद को मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 35 रन। इस बार फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए इस बार फिर से गेंद को खेला जा रहा है, स्वीपर पॉइंट क्षेत्र में गेंद आ गया, जब तक फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो अभी भी यहां पर अगर
अगली गली गन बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की गेंद सौरभ गंग इस बार बिल्कुल जोर से मारने की कोशिश गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है विकेट कीपर के पास चली जा रही है रुका बस लॉस ऑफ 5 विकेट इस बार गेंद को खेला जा रहा है गेंद बॉलर के पीछे जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है जब तक फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल मिलेगा सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन इनिंग का ही ओवर चल रहा है कुल मिलाकर छठा ओवर यहां पर प्रगति पर है इस बार बहुत शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर निकल रही है 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त पहुंचा है 42 रन तुपिल कुरेशी इनका भी यहां पर आगमन हो चुका है तो उनका मैं स्वागत करता हूं तुपिल कुरेशी इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए शानदार कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है बल्लेबाज का विकेट चला जाता है चलिए बैट्समैन का नाम बताइए नए बैट्समैन आशीष सुरवसाई का हेलो चलिए इस बार अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त लगभग रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 42 रन रन संख्या इस वक्त 42 पे जाकर पहुंची है देखना है फिर से गेंदबाजी करेंगे बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच सरफराज शेख
छह गेंदबाज देखना, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए बाबर के लिए सुनहरा मौका लगातार गौरव बागवान की ओर से। तीन गेंदों में तीन छक्के अगर बैट्समैन लगाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल इनाम दिया जाएगा, ₹1,000 का इनाम गौरव बागवान की ओर से इनाम होगा। बार गेंद को मारने की कोशिश भी गेंद डाल के जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते भी सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। टोटल स्कोर इस वक्त रन संख्या कुल मिलाकर 24-40 रन। सातवें ओवर की आखिरी गेंद है, सात ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर 45 पर जाकर पहुंचा है। इस टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान, टूर्नामेंट के मार्गदर्शक, सम्माननीय तथा आदरणीय दीपक ग्रुप के सर्वेसर में साबिर भैया इनामदार, इस टूर्नामेंट के लिए खंबीर जो साथ मिल रही है, इफ्तार जी तुलजापुरी साहब का साथ मिल रहा है और साथ ही साथ टूर्नामेंट सक्सेस बनाने के लिए अथक परिश्रम, अथक मेहनत बिल्कुल जो की गई सादिक शेख माचू सर की ओर से, उन्हें कंधे से कंधा लगाकर जो साथ दिया गया राधे यानी कि मोहसिन मुल्ला की ओर से। मोहम्मद शेरा, इस बार मोहम्मद शेरा की पहली गेंद, विकेट मिल सकती है और मिल गई विकेट। मोहम्मद शेरा क्रिकेट के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है बिल्कुल पुराने चावल हमेशा अच्छे होते हैं। बिल्कुल उस तरह से उन्होंने विकेट ली। नए खिलाड़ी मोहम्मद मुबीन मंगलगिरी, मोहम्मद फिर से देखना गेंदबाजी करने के लिए, अभी भी ये आखिरी ओवर चलता हुआ आखिरी चार गेंदे बची है। बिल्कुल टोटल स्कोर 46 रन, 7 विकेट लॉस, 7 विकेट जाने के बाद 46 रन। बार बिल्कुल मोहम्मद के लिए बिल्कुल और एक विकेट मिल सकती है और मिल गई विकेट। शायद मोहम्मद को इस मैच में दूसरी बार ये सफलता मिल रही है। मोहम्मद कल हमने भी बोला था, मोहम्मद अगर गेंदबाजी में हैट्रिक करते तो मेरे ओर से ₹1,000 का प्राइस।
इस बार देखना फिर से गेंदबाज टोटल स्कोर इस वक्त लगभग 47 पे 8 विकेट चले जा रहे हैं, 47 पे 8 विकेट। और एक विकेट मोहम्मद शेरा ने पकड़ा, विकेट ले लिया वहां पर मोहम्मद। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद को मारा जाता है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद, और ये और एक कैच वहां पर पकड़ा गया हुसैन लाला की ओर से। मोहम्मद सर आप जहां भी हो माइक पे संपर्क करें। मोहम्मद शेरा, ओ मोहम्मद सर, मोहम्मद शेख, मोहम्मद मुल्ला शेरा, मोहम्मद सर,
मंगलगिरी को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा। पहला ओवर लेकर मोबिन मंगलगिरी गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर मोहसिन शेख सिन्हा। मुश्ताक शेख स्ट्राइक पर, मोहसिन शेख सिन्हा नौ स्ट्राइक की गेंद पे। हेलो, लगभग 48 रन का जो टारगेट दिया जा रहा है, इस टारगेट का पीछा करने के लिए रन बने हैं इस वक्त तक केवल। टोटल स्कोर यहां पर पहुंचा है एक रन, एक गेंद का खेल पूरा होगा। अच्छी गेंद इस बार स्कोर कट खेला, इस बार गेंददार के बिल्कुल स्वीपर पॉइंट पर बहुत ही जाने माने पर फील कर रहे हैं, जब तक फील करते हैं सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर दो रनों की योग पर रन संख्या पहुंच रही है। बढ़िया अंदाज की गेंद इस बार टप्पा गिरने के बाद हल्के से कट होती है, विकेट कीपर के पास चले जा रही है। ये आउट कटर अंदाज की गेंद थी, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। मोबिन मंगलगिरी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है बॉलिंग करने के लिए। गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आ गया, जब तक गेंद को खिलाड़ी ये डायरेक्ट हिट होती है तो निश्चित ही सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर लगभग रन संख्या केवल तीन पे जाकर पहुंची है। बाहर गेंदबाज बार गेंद को मारा फिर से स्वीपर पॉइंट क्षेत्र में, वहां पर बिल्कुल जब तक ही फील्डर फील करते सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा टोटल स्कोर केवल चार पे जाकर पहुंचा है। टूर्नामेंट की बात करना चाहेंगे, ये टूर्नामेंट जो चल रहा है बिल्कुल साबिर भैया इनामदार इनके प्रेरणा से चलने वाली टूर्नामेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके लिए पहले क्रमांक का इनाम दिया जा रहा लगभग 33,333 रुपए। सरिया फाउंडेशन के नजीब भाई शेख साहब की ओर से लगभग 33,333 रुपए दिए गए। सेकेंड प्राइज एसआर फाउंडेशन के बिल्कुल साहिल रामपुरी साहब की ओर से 22,222 रुपए। तीसरे क्रमांक के लिए रुपए 11,111 रुपए का इनाम बा और ये इनाम राजा यानी कि मोहसिन मुल्ला की ओर से टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। इस बार सीधे गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑन सी मारेगा, पार करेगी गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन। थोड़ी सी गेंद बैट के सामने मिली, बल्लेबाज ने बॉलर के सर के ऊपर से गेंद, सूरज इकड़ा है सूरज आमी ये तो बस लो स्कोरिंग ला। चार धावा इतनी लानी है, चार धावे नहीं संघाची वार्थी धाव संख्या धावन पहुंचनी थी आठ धाव संख्या और तो ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद हवा में है,
एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 9 रन। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर यहाँ पर 9 रन। देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए इस बार इस्माइल पीरजादे, जिन्हें गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा। टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे क्रमांक की खूबसूरत ट्रॉफी जो दी जा रही है, बिल्कुल सिराज इनामदार डॉन साहब की ओर से ये ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है। ये देखिए बिल्कुल काफी जोर से मारा जा रहा है, गेंद बैट के सामने मिली, आक्रमण लगाया जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 पे जाकर पहुंचा है। और एक शानदार जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन। जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकपुट पर चले गए, ऑन साइड में लंबा जो गैप था, लॉन्ग ऑन डीप स्कोर लेग के बीच में जो गैप था, उस गैप को ढूंढा जा रहा है और एक चौका निकल रहा है, बढ़ता हुआ स्कोर 17 पे। ये गेंद जा रही है बिल्कुल मैक्सवेल के अंदर में, जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। लगभग 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोबिल मंगलगिरी को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, बॉलिंग करने के लिए। बार हल्के से पुश किया जाता था, जैसे ही स्ट्रोक के लिए खेला और रन के लिए निकले, दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल देखने मिल रहा है। इस बीच सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22 रन। इसके बाद टूर्नामेंट का अंतिम मैच होगा, इस मैच में जीतने वाली टीम ईसा 11 के साथ फाइनल मैच में खेलेगी, ग्रैंड फाइनल है। अच्छी गिनती बार बल्ले का मुंह खोला जा रहा है, इनको थर्ड मैन क्षेत्र में बाहर आ जाता हुआ, जब तक फील्डर फील करते हैं, फिर भी सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 23 रन। जाने माने खिलाड़ी वहां पर बाबर कोरबू, जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया पिछली गेंद पर। बाबर अगर डाई मारकर कैच पकड़ते हैं तो उनके लिए 500 रुपए राधे की ओर से दिए जाएंगे। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आगे बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद, जब तक फील्डर फील करते हैं, फिर भी सिंगल बनेगा वहां पर, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। तो
टॉस गेंद ऑन साइड में गेंद को स्वीप शॉट लगा दिया स्वीट टाइमिंग के साथ स्वीट शॉट और ये गेंद को बिल्कुल बाउंड्री के बाहर मारा जा रहा है चार रन के लिए चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 28 रन 28 रन। इसके बाद का मैच बॉल आउट का मैच होगा तीसरे क्रमांक की ट्रॉफी किसके नाम पर जाएगी ये जानने के लिए इस मैच में हारने वाली टीम उस्मानाबाद जिमखाने के साथ बॉल आउट का मैच होगा वहां पर। उठाकर खेलना चाहते गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर बहुत दूर है जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते सिंगल बनेगा सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 29-29 की ओर पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार कबड्डा लगाने की कोशिश गेंद बैट्समैन को बीट कर गया विकेट कीपर के पास चली जा रही है। जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे लगभग 3 ओवर पूरे होने के बाद 29 रन यहां से मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए गेंदे बची है बिल्कुल 30 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन चाहिए। अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए खुद कप्तान या जैद को यहां पर गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है जैद गेंदबाजी करेंगे खुद के गोटे का व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से इनिंग का 14 लेकर गेंदबाजी करेंगे जैद। गेंदी बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आ रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल स्कोर 30 पे जाकर पहुंचा है। अब यहां से बात जीतने के लिए केवल 18 चाहिए 29 बॉल रिमेनिंग है 29 गेंदे और जीतने के लिए केवल 18 चाहिए। बहुत बढ़िया गेंद इस बार विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया राठौड़ विकेट कीपर है जिन्होंने बैटिंग में काफी जबरदस्त बैटिंग की थी लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद ये सीधा गेंद को मारा जाता है गेंद बॉलर के पीछे जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कैप जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओवर थ्रो हो रहा है निश्चित ही दूसरा मिलेगा और ये ओवर थ्रो के रूप में 2 रन मिलेंगे इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग रन संख्या कुल मिलाकर 32 पे जाकर पहुंची है। बड़ी इस लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को मारा जाता है जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। काफी अच्छी गेंद इस बार गेंद बिल्कुल ऑफ्टन के बाहर गेंद आ रही करने की कोशिश इस बीच ओवर समाप्त हो रहा है जहां तक कि मैच जीतने की बात करना चाहेंगे लगभग 15 रन चाहिए 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है 24 गेंदे और मैच जीतने के लिए 24 रनों की तलाश है।
अभी भी जीतने की बात करना चाहेंगे, केवल 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये गेंद नो बॉल गेंद, इस बार गेंद को आड़े हाथ लपेट लिया, देखना है दो फील्डर वहां पर गेंद के नीचे जा रहे हैं, दोनों में टक्कर होगी हल्की सी, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। 4 रन, मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चिंडू फर्रार, कनकनी चौका। पांच मिलेंगे इस बार, 5 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 38 रन। दो बॉल, चलेंगे इसके बाद के मैच के लिए बॉल आउट करेंगे हम। इस बार सीधा गेंद को मारने की कोशिश में, गेंद हवा में जा रही है, नीचे आ गए खिलाड़ी, फ्री 30 ले बच गए वहां पर खिलाड़ी, सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त 9 नो बॉल का इशारा फिर से बताया जाता हुआ, एक चौक लगा जा रहा 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त अब मैच जीतने के लिए लगभग 45 रन बने हैं, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। उस्मानाबाद के प्लेयर से मैं अनुरोध करता हूं जल्द से जल्द आए बॉल आउट के लिए। और बॉल आउट में केवल प्लेयर्स ही अंदर जाएंगे, बाकी को कोई नहीं जाएगा अंदर। अच्छी गेंद, टाइमिंग के साथ गेंद को एक बार पुश किया था, इसी के साथ ये जियान कार्स टीम ने इस मुकाबले को जीता और फाइनल का टिकट ले लिया। वहां पर सुल्तान टीम वहां पर रुक गई है, सुल्तान एमएमटी सुल्तान टीम वहां पर ही रुकी है। हम बॉल आउट करने जा रहे हैं आगे का मैच का बॉल आउट, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई भी अंदर नहीं। स्पॉन्सर अख्तर भाई, वो तीसरे क्रमांक